गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 5, दैट इज एटम रीअरेंज देमसेल्व्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. ओके, सो द एटम्स व्हेन दे आर केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, व्हाट हैपेंस व्हेन दे केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. सो व्हाट हैपेंस, दे टेक, देर इज अ सम चेंज टेकन प्लेस इन द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम. सी, when burned in air, carbon forms carbon dioxide. Okay, when burned in air, carbon forms carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. Okay, so when carbon burns in air, they will form carbon dioxide. ऑक्साइड. कार्बन मीन्स वॉट? कार्बन मीन्स सी. वेन बर्न इन एयर मीन्स ऑक्सीजन. इन एयर वी हैव ऑक्सीजन. ओके, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. ओके, सो सी एंड ओ टू, सी प्लस ओ टू विल गिव CO2, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो कार्बन व्हेन बर्न इन एयर विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दैट इज व्हाट एटम्स रीअरेंज देमसेल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. हेयर इज अ एटम ऑफ कार्बन, हेयर इज अ एटम्स ऑफ टू एटम्स, दैट मीन्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. दे अरेंज देमसेल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो this is known as the rearrangement of atoms when rearrangement of atom taking place during a chemical change. Okay, see here one more example. When burned in air, hydrogen forms water. Okay, when burnt in air, hydrogen form water. Okay, see here the reaction is hydrogen and oxygen. Okay, hydrogen and oxygen, okay, will give H2 is the two atoms of hydrogen when react with the oxygen. Okay, so see here hydrogen and oxygen. Okay, when burnt, little bit of heat we have to give them, so they will form H2O. Okay, H2O. Okay, so this is the water. We all know that H2O is the water. So when hydrogen burned in air, what they will give? They will give oxygen. Okay, so I have given the two example, which is make you clear that yes, atom rearrange themselves during a chemical change. Okay, so these are the two examples I have given. Now see here, turn the next page. We have to study energy change in chemical reaction. See, there is a change in energy also. Okay, energy change in chemical reaction. Okay, energy change. Energy means what? Heat and light. Energy means what? Heat and light. Okay, heat and light. This is the energy which is change. Okay, take place. Change means what? Whether energy is absorbed or energy is produced. Okay, released. So there are two types. First one is exothermic change. And second one is endothermic change.
ओके, एक्सोथर्मिक चेंज एंड एंडोथर्मिक चेंज. ओके, सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक चेंज? इन एक्सोथर्मिक चेंज व्हाट हैपेंस, द ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड. ओके, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज रिलीज्ड आउट और इवॉल्व आउट. ओके, इज नोन एज एक्सोथर्मिक चेंज. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन टेक प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल वॉट वी कैन सी, लाइक हाइड्रोजन ओके एंड ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस इन दिस, व्हाट हैपेंस देयर इज अ हीट एनर्जी रिलीज्ड. ओके, हीट एनर्जी विल गिव वाटर. ओके, हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, बोथ द टू चेंजेस विच वी हैव स्टडीड बिफोर, बोथ आर द एक्सोथर्मिक, बोथ आर अंडर द एक्सोथर्मिक चेंज. ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो विल गिव CO2. ओके, बोथ आर एक्सोथर्मिक. ओके, हीट एनर्जी रिलीज्ड. ओके, बोथ आर द एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज. ओके, सो फ्यू एग्जाम्पल्स इज गिवेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज. ओके, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट एंडोथर्मिक चेंज. ओके, एंडोथर्मिक चेंज, सो इन एंडोथर्मिक व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, इज एब्जॉर्ब. ओके, इज नोन एज एंडोथर्मिक चेंज. ओके, इज नोन एज एंडोथर्मिक चेंज, इन विच व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज एब्जॉर्ब. इट एब्जॉर्ब, व्हेन देयर इज अ एब्जॉर्प्शन देन वी विल हैव एंडोथर्मिक चेंज, व्हेन देयर इज रिलीज्ड और इवोल्यूशन ऑफ द हीट और लाइट एनर्जी देन वी विल हैव एक्सोथर्मिक चेंज. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक इज नाइट्रोजन. व्हेन नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट इन द व्हेन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट हैपेंस दे विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड दे विल फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड व्हाट हैपेंस देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क. ओके, सो व्हाट हैपेंस देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्पार्क विल हैपन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज, कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन्स CaCO3 नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, कार्बोनेट CaCO3 इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज
when decompose, what happens? It will give calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide, okay? Calcium oxide means Ca2O and carbon dioxide, CO2. Calcium oxide. And carbon dioxide, okay? Carbon dioxide, okay? So what happens with the release of with the absorption of heat energy up to the temperature 900 degree Celsius, okay? So this much of energy is absorbed when calcium carbonate decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. So these are the example of endothermic change, okay? So these are the in this what happens, we have studied that during endothermic change what happens, heat energy is absorbed, during exothermic change heat energy is released. So altogether we have studied that during a chemical reaction what happens, whether there is a absorption of a heat energy or there is a release of heat or light energy, okay? Both is known as exothermic or endothermic change. Then we have studied that there is a change of state also. That means the atom rearrange themselves in the following order, in the combinations, okay? During a chemical change, atom also rearrange. That is also we have studied, okay? So now we have to study about few characteristic of chemical reaction. Before that, we have a experiment. See, take about 5 milliliter of dilute sodium hydroxide solution in a test tube. Ek test tube liya, usme 5 milliliter kya dal diya? Dilute sodium hydroxide. Dilute means gila. ओके डाइल्यूट, अगर किसी सॉल्यूशन से पहले डाइल्यूट लिखा होता है दैट मींस इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है? तो लिक्विड में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड ऐड द सेम वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 5 ही मिलीलीटर का हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसी टेस्ट ट्यूब में मिला दिया. ओके, हीट इज इवॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन होगा जिसमें से हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है? एंड द टेस्ट ट्यूब बिकम वार्म, और जिसे हमें कैसे मालूम चलेगा हीट रिलीज हुई, क्योंकि टेस्ट ट्यूब क्या है, गर्म हो जाएगी. Unlike an endothermic reaction, an exothermic reaction once begin always reaches completion. ठीक है, endothermic reaction जो है वो क्या है, उसमें completion जरूरी नहीं है कि reaction complete करे, लेकिन exothermic में reaction का complete होना guaranteed है. As much heat is evolved as required for the reaction to go on. Thus, once it start burning continues on its own. ठीक है, एक बार शुरू हुआ तो क्या है, burning continue रहेगी और पूरा changes होगा. Okay. So this is the experiment you have to study. Till here you have to study. Next, from the characteristic of chemical reactions, we will take up in our next video. Study till here, okay? And any problem, you can contact me. Thank you.